नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जनपद ललितपुर में यौन शोषण जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज ऐसा ही एक मामला जिला चिकित्सालय ललितपुर में आया, जहां एक नाबालिग बालक के साथ कुकर्म का प्रयास किया गया। जब बालक ने विरोध किया तो उसके साथ आरोपी द्वारा जमकर मारपीट की गई और मरणासन्न हालत में छोड़कर वहां से भाग गया। जब बालक को होश आया तो वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और परिजनों को आपबीती सुनाई। तब परिजनों ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। फिलहाल बालक का इलाज जिला चिकित्सालय ललितपुर में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला जनपद ललितपुर के थाना जाखलोन अंतर्गत ग्राम नकवाना का बताया जा रहा है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। क्या हो गया था बेटा? बैठे थे घर, ऐसे बिल्लू आ गया घर। कौन लोग आ गया? गोली घर से पता ही, हम पन डाली काटे तो जमीने खज जो दस लोग आ जाके हम घर आया थे। सुनने जबरदस्ती करी हमसे और घर आए ई की पहले सुनने पकड़ के मुँह पे कछु वो करके डाल दो नाक पे और तब वो इस हमारा ने पार के आड़ो डाल लगे हमारा जबरदस्ती करी वे हमें खबर नहीं आओ मारी तो। हाँ, किस चीज़ से मारा था? लातें नहीं थी पर कछु छिड़क के हमारे लाने आड़ो डाली पर खबर नहीं है। क्या नहर में डाल गए थे ऊपर से पत्ता? फिर कैसे आप घर आए, कैसे कब हो गया? हमें होश आया तो हम दौड़ कर आए घर पर। सब हमारे बच्चा हूँ गोलू और संजीव सन ऑफ मलखान गांव में बैठा था। बैला फुसला कर गांव की बाहर लेवा ले गया और एक गांव से दूर बगीचा है 1 किलोमीटर लगभग, वहां पर उसने गलत काम किया। उसने भागने की कोशिश की, मुंह दबा कर और उसने गला घोंट कर अपने समझ में उसने मरणासन अवस्था में छोड़ दिया नाले के पास। और नाले के पास पत्तों से ढक दिया। उसको जब होश आया तो गिरते उठते गांव के पास आ गया, घर पर आया। इसी जानकारी में हमें मिली तो हम थाने गए, थाने से यहां पर भेजा, यहां से फिर घर गए और घर उसकी हालत गंभीर हुई तो हम दोबारा आए। अभी कहां है बच्चा? अभी यहां अस्पताल में है। क्या हालत है? इमरजेंसी में है, हालत गंभीर है। और पुलिस ने कोई कार्रवाई? पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया लेकिन हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी जानकारी के हिसाब से। थाना जाखलोन अंतर्गत एक गांव है, उस गांव के एक व्यक्ति ने यह तहरीर दी है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने उसके भतीजे के साथ मारपीट की है। तत्काल FIR दर्ज की गई है, अभी इसमें जो उसको अरेस्ट कर लिया गया है, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो अन्य तत्व प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्नि वैधानिक कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। अक्यूज अरेस्ट कर लिया गया, कठोर वैधानिक कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।